दोस्तों हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ ने नेशनल कैपिटल दिल्ली में BNSS यानी भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की बात करते हुए ये स्टेटमेंट दिया था कि सर्च एंड सीजर के दौरान ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग के साथ साथ 7 साल से अधिक कारावास की सजा और अपराधों के लिए अपराध स्थल पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मौजूदगी जैसे उपायों को यह कानून निर्धारित करता है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल साबित होने वाला है सिटीजन की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। उन्होंने यह भी कहा कि अक्सर हम काफी हिला देने वाली कहानियां सुनते हैं जब इन प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है, पर्टिकुलरली जब बात इनकम टैक्स की हो। और अब यह जुडिशियल स्क्रूटनी सेफगार्ड करेगी सिटीजंस के राइट को अगेंस्ट प्रोसीजरल इम्प्रोप्रिटी ड्यूरिंग सर्च एंड सीजर। और इन्हीं सारी कमियों को दूर करने के लिए इसी क्रम में आज 8 जुलाई 2024 को हमारे देश में 3 नए क्रिमिनल लॉज को लागू कर दिया गया है। तो चलिए आज जानते हैं इन कानूनों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं UPPSC, RO, BO, UPSSC और अदर स्टेट एग्जाम की, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप्स को, जहां पर आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर सकते हैं, अपने आंसर्स चेक करा सकते हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके खुद का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो देर किस बात की, दिए हुए नंबर पर कॉल करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करें। तो चलिए अब तीनों कानूनों के बारे में जानते हैं। तो पहला है भारतीय न्याय संहिता 2023, जो कि रिप्लेस करेगा IPC यानी इंडियन पीनल कोड 1860 को। इसमें टोटल 356 सेक्शन है और IPC में होते थे 511 सेक्शन। दूसरा कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो कि रिप्लेस करेगा CRPC यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इसमें टोटल 533 सेक्शन है, जहां CRPC में होते थे 478 सेक्शन। और तीसरा कानून है भारतीय साक्ष्य 2023, जो कि रिप्लेस करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। इसमें टोटल 170 सेक्शन है और इसके पहले वाले कानून में होते थे 167 सेक्शन। अब आपके दिमाग में यह बात आ सकती है कि इन कानूनों को लागू करने की क्या आवश्यकता थी, जो कानून थे उसी के हिसाब से देश चला सकते थे। तो यह स्टेटमेंट आ रही है कि जो भी लॉज हमारे देश में चल रहे हैं, यह ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, और जब बना था तब समय कुछ अलग था। आज 2024 में समय बदल चुका है और इस समय के हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता है, जिससे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सही हो सके। यहाँ इस कानून का मतलब किसी को पनिश करना नहीं है, बल्कि जस्टिस प्रोवाइड करना है। तो अब जब से कानून लागू हो गया है, तो सारे इंस्टीट्यूशन जो कि UGC, AICT, CFI के अंडर आते हैं स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में, वहाँ पर एक दिन की वर्कशॉप रखी गई है, जहाँ पे ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार्स आदि हो रहे हैं, जिससे कि ये सारे क्रिमिनल लॉस को बताया जा सके। साथ ही साथ सारे पुलिस स्टेशन में भी कुछ इवेंट्स कंडक्ट कराए जाएंगे। अब आपको बता दूं, इन क्रिमिनल लॉस में काफी अच्छे बदलाव किए गए हैं और समाज के हर वर्ग, महिला, पुरुष, बच्चे, ट्रांसजेंडर को जोड़ने की भी कोशिश की गई है। साथ ही साथ टेक अपग्रेडेशन पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, जिससे कि समय की बर्बादी ना हो। अब इन लॉस के बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स के माध्यम से बताता हूँ, जिससे कि आपको पता चल सके कि इन 3 नए कानून की वजह से क्या बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। तो देखिए, आपराधिक मामलों में जितने भी फैसले पहले सुनाए जाते थे, उनमें पहले सुनवाई के दौरान फैसले देने में 60 दिन तक का समय लग जाता था, लेकिन अब यह अवधि घटाकर 45 दिन कर दी गई है, यानी 15 दिन बचेंगे आप। इसके अलावा बलात्कार पीड़ितों का जब भी मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, तो हर कीमत पर 7 दिन के अंदर रिपोर्ट आनी ही होगी। वही जो नए कानून लागू किए गए हैं, उनमें अब बच्चों को खरीदना या बेचना जघन्य अपराध माना जाएगा। इसी तरह अगर नाबालिग के साथ बलात्कार होता है, तो आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड की सजा भी मिल सकती है। इस कानून के हिसाब से अगर महिला के साथ बलात्कार होता है, तो उसके बयान को यथासंभव महिला मजिस्ट्रेट के सामने ही दर्ज कराना होगा। साथ ही साथ ऑडियो और वीडियो का भी प्रयोग किया जा सकता है, अगर आवश्यकता होती है तो। इसके अलावा अगर महिलाओं के खिलाफ जब अपराध होगा, तब सभी अस्पतालों को मुफ्त में इलाज करना होगा, और अगर बच्चों के साथ भी अपराध होता है, तब भी अस्पताल मुफ्त इलाज के लिए बाध्य होंगे। तो अभी मैंने टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात करी, तो अब अगर किसी व्यक्ति को FIR दर्ज करानी है, तो वह EFIR कर सकता है, उसको पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर अपने क्षेत्र के बाहर भी अगर वह चाहे, तो अपनी FIR दर्ज करा सकता है। अब आपने अक्सर देखा होगा, शादी के झूठे वादे कर महिला का शारीरिक शोषण किया जाता है कि मैं आपसे शादी करूंगा। तो अगर अब कोई व्यक्ति इस इंटेंशन से किसी महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो उसको 10 साल तक की सजा और फाइन दोनों हो सकते हैं। अब यहाँ पर धोखे का मतलब है फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशन और मैरिंग आफ्टर सप्रेस आइडेंटिटी। लेकिन क्रिटिक्स का यहाँ पे कहना है कि इस तरीके से क्रिमिनलाइजेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा रिलेशनशिप्स में, और तो और काफी सारे लोग इसे लव जियाद का नैरेटिव बनाकर भी प्रयोग करेंगे। अब इतने बदलावों में से जो सबसे अच्छा बदलाव मुझे लगा, वह है कि दोनों ही पार्टीज को जिसके साथ क्राइम हुआ है या जिसने क्राइम किया है, 14 दिन के अंदर
पुलिस की रिपोर्ट चार्जशीट मिलने का पूरा अधिकार होने वाला है। और आपको बता दूं, बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता का क्लॉज 103 यह कहता है कि अगर कोई मर्डर किया गया है रेस, कास्ट और कम्युनिटी के बेस पर, तो इसे एक सेपरेट ऑफेंस माना जाएगा। वेल, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी 2018 में सेंटर गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दिए गए थे कि एक सेपरेट लॉ होना चाहिए लिंचिंग को लेकर के।